बॉडीज वेलकम टू माय चैनल एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे फाइनली मैं शेयर करने वाली हूँ डव का इंटेंस डैमेज रिपेयर हेयर मास्क। सो दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो, बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर किया है टॉप 5 हेयर मास्क, तो उसमें मुझे काफी सारे कॉमेंट्स आए थे कि आपने डव का ये जो इंटेंस रिपेयर हेयर मास्क है उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि यार मैंने ट्राई नहीं किया था। जब तक मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं कैसे, इतने मार्केट में है यार प्रोडक्ट्स, कभी कभी होता है स्किप हो जाता है, नहीं होता है, बट आप अगर कॉमेंट करोगे रिक्वेस्ट करोगे तो फॉर श्योर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ, आपकी रिक्वेस्ट मानती हूँ। तो ये बाय किया है मैंने, अमेजोन पे अवेलेबल नहीं था उस टाइम, तो मैंने ये जियो मार्ट से बाय किया था। मैं आप पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। सो यस, इसको मैंने 3 से 4 बार यूज किया है और अभी मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये बेसिकली मुझे कुछ इस तरह की ही पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, काफ़ी प्यारी सी टब पैकेजिंग है इसकी। एंड प्राइस थी इसकी MRP 525 है, बट मुझे शायद 498 समथिंग इतना मुझे मिला है, 20-25 रुपए का डिस्काउंट था जियो मार्ट पे। एंड क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 300 ml है और अगर एक बंदा यूज़ करेगा ना तो आराम से ये 5 से 6 महीने चल जाएगा। सो इसको आप एज ए कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो, एज ए हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैंने अभी तक इसको एज ए कंडीशनर यूज़ किया है, मतलब जब भी शैम्पू किया है उसके बाद इसको बालों में लगा के छोड़ दिया है, मतलब हीटिंग वीटिंग नहीं दी है जो कि हम हेयर मास्क यूज करते हैं तब देते हैं। सो फ्रेंकली बोलूँ तो एज ए हेयर मास्क मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। वैसे मैंने इसको 4 से 5 बार यूज किया, आप देख सकते हो क्वांटिटी मेरी इतनी ज्यादा खत्म हो गई है। फॉर्मूला इसका काफी ज्यादा थिक है, बहुत रनी नहीं है कि हाथ में लोगे और गिर जाएगा। यस, आपको क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी होती है, नॉर्मल क्वांटिटी आपको लेनी है और इस तरह से आपको अपने बालों को सेपरेट करके पोर्शन करके जो आपने शैम्पू किया है उसके बाद आपको इसको यूज करना होता है। सो कभी भी गंदे बालों में आप हेयर मास्क मत लगाइए, बाल आपके अच्छे से धुले होने चाहिए शैम्पू से एंड उसके बाद ऐसे पार्टीशन करके आपके बालों में आपको लगाना है। यस, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा हैवी नहीं है आप नॉर्मली इस तरह से 2 पार्ट करके भी अपने बालों में लगा सकते हो एंड उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट छोड़ देना है और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इसे वॉश करना है। यस, अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो आप इसको लगा के बहुत अच्छे से रखिए एंड उसके बाद आप हीट दीजिए अपने बालों में, नॉर्मल टॉवल को गर्म पानी में डाल के स्क्वीज करके वो रैप कर लीजिए या फिर जो हीटिंग कैप्स आती है वो लगा के रख दीजिए, तो आई थिंक इसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। सो यस, एज ए कंडीशनर जब मैंने इसको यूज़ किया था ना तभी मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग लगा। आई डोंट नो कि मैंने इसको क्यों इतने टाइम तक नहीं यूज किया था एंड लिटरली डव के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे आते हैं और ये बेसिकली इंटेंस डैमेज रिपेयर है। दैट मींस कि ये जो भी आपका डैमेज हो गया है ना बालों में उसको रिपेयर करता है। एंड यू कैन सी, मतलब मैंने ये लगाया है बालों में अपने, आई थिंक मैंने परसों हेयर वॉश किया था। यस, फिर भी मेरे बालों में आप देखो काफी मैनेजेबल लग रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे होते ना फ्रीजीनेस या ड्राइनेस आ गई है बालों में वैसे नहीं लगते। इनफैक्ट आपके जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उस पर भी ऐसे अच्छा वर्क करता है, मतलब ऐसे झाड़ू जैसे नहीं लगते हैं बाल। सो इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फॉर श्योर आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रीजी है, डैमेज है, बहुत अनमैनेजेबल रहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा। इनफैक्ट थोड़ा सा विंटर्स में बालों की हालत थोड़ी हो जाती है बुरी, तो उस टाइम आप इसको ट्राई कर सकते हो। लिंक मैं आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर अमेजोन पर अवेलेबल रहेगा। बाकी आप नॉर्मल, आई थिंक ये स्टार बाजार या नॉर्मल स्टोर्स पे भी, डी मार्ट वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी बाय कर सकते हो। सो या गाइस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा, हाईली रिकमेंड करूंगी मैं आपको। और एंड थैंक यू आपको भी कि आपने मुझे सजेस्ट किया और ये मैंने प्रोडक्ट यूज किया, अदरवाइज मैं इससे वंचित रह जाती। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।